आंदोलन है या मोदी हटाओ अभियान? मोदी लहर से टेंशन में क्यों आंदोलन जीवी किसान? कथित किसान ढल्लेवाल की मोदी से नफरत देखिए। एमएसपी की चिंता कम, मोदी के बढ़ते ग्राफ से है परेशान। कौन है ढल्लेवाल जो चला रहे मोदी विरोधी एजेंडा? और जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में आंदोलन करने का हक हर नागरिक के पास है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को भी धरना प्रदर्शन करने का हक मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन या धरना प्रदर्शन के नाम पर आप अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ। दुर्भाग्य से देश में चल रहे किसान आंदोलन में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे ये किसान ऐसे ऐसे हथियारों से लैस होकर चल रहे हैं जैसे मानो किसी आंदोलन में नहीं जंग पर जा रहे हो। ये बात यही खत्म नहीं होती है। इस आंदोलन को भले ही किसान आंदोलन कहा जा रहा हो लेकिन इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों की आड़ में मोदी विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें किसानों के लिए एमएसपी की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता इस बात की है कि राम मंदिर बन जाने से पीएम मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इसे नीचे लाने में बहुत ही कम वक्त बचा है। इस आंदोलन को भले ही किसान आंदोलन नाम दिया जा रहा हो लेकिन भारी दलबल के साथ दिल्ली कूच कर रहे इन किसानों को देखकर लगता है ये किसी आंदोलन में नहीं जंग पर जा रहे हो। इतना ही नहीं, किसानों के इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित आंदोलन भी बताया जा रहा है क्योंकि इस आंदोलन में कुछ लोग किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल जैसी मानसिकता वाले भी हैं जो किसान आंदोलन के बहाने मोदी विरोध में सियासी एजेंडा चला रहे हैं। और इसका सबूत है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो जिसमें किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल कथित तौर पर ये कह रहे हैं, राम मंदिर की वजह से पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, ये नुकसान है। ऐसे में इनका ग्राफ कैसे नीचे आ सकता है? मैंने बहुत बार लोगों से कहा है कि टाइम बहुत कम है, उसका ग्राफ बहुत ऊंचा है, अपने पास दिन कम है, क्या हम कम दिनों में इनका ग्राफ गिरा सकते हैं? जगजीत सिंह ढल्लेवाल का ये बयान बता रहा है कि उनके नाम के साथ भले ही किसान नेता जुड़ा हो लेकिन उनका असली एजेंडा राजनीति से ही प्रेरित नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसानों की एमएसपी से ज्यादा इस बात की चिंता खाई जा रही है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद मोदी का सियासी ग्राफ क्यों बढ़ रहा है और इसे नीचे लाने में बहुत कम ही समय बचा है। अपने इसी सियासी बयान की वजह से जगजीत सिंह ढल्लेवाल को सोशल मीडिया पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी नेता वैशाली पोद्दार ने एक्स पर लिखा, इस आंदोलन और किसान नेताओं का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और इरादे भी साफ हो रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल इस बात से नाराज हैं कि श्री राम मंदिर की वजह से मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चला गया है। पत्रकार यतेंद्र शर्मा ने लिखा, इस बार किसानों के नाम पर प्रदर्शन का नेतृत्व जगजीत सिंह ढल्लेवाल कर रहे हैं। किसानों के हित की चिंता तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ कम करने का टारगेट जरूर दिखाई दे रहा है, खुद देख लीजिए उनकी सच्चाई। सनातनी राकेश ने एक ट्वीट में लिखा, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल इस बात से परेशान है कि श्री राम मंदिर के कारण मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चला गया है। उन्होंने गलती से इस विरोध के पीछे के असली मकसद का खुलासा कर दिया है। मुंबई की रहने वाली मांडा बेंद्रे ने लिखा, लोकसभा सत्र खत्म हो चुका है और चुनाव में बस 3 महीने बचे हैं। यह वर्तमान सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराए बिना उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती, तो उन सभी मांगों के लिए इस विरोध का कोई मतलब नहीं रह गया, वे अगली सरकार का इंतजार कर सकते थे। असली वजह अशांति फैलाना है और ये क्या कह रहे हैं? मोदी के बढ़ते ग्राफ से परेशान किसान नेता ढल्लेवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज होने लगी है। हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर ने तो ढल्लेवाल के बयान का विरोध करते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी का साथ छोड़ देगी, इससे तो मोदी का ग्राफ और बढ़ जाएगा क्योंकि इससे जनता में ये मैसेज जा रहा है कि आंदोलन का ये तरीका सही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। देखिए क्या सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है,
कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लैंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लैंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई और कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा, दृश्य क्या बनेगा, लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकारता नहीं है। सीएम खट्टर ने जहां ढल्लेवाल के बयान का विरोध किया तो वहीं कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा तो ढल्लेवाल के बयान का विरोध करने वालों पर इस कदर बौखला गए हैं। अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूँ? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया। कमाल है साहब, 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था, उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए, ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए? कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को SMS भेजते हैं? वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए? असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी, बुलाएं किसानों को अपने घर पे या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? मोदी विरोधी किसान नेता ढल्लेवाल का असली एजेंडा सामने आने के बाद जिस तरह से उन्हें कोसा जा रहा है उसे देखकर सबसे ज्यादा कांग्रेस ही परेशान नजर आ रही है, क्योंकि ढल्लेवाल भी मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं और कांग्रेस का भी यही मकसद है। इसलिए ढल्लेवाल के विरोध पर बौखलाए पवन खेड़ा तिहाड़ की धमकी देने लगे। वैसे आपको बता दें, यहां बात सिर्फ ढल्लेवाल जैसे मोदी विरोधी किसानों की नहीं है, कुछ किसान तो ऐसे हैं जो खुलेआम खालिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हरियाणा के एक यूट्यूब चैनल सत्य खबर ने 12 फरवरी को एक वीडियो साझा किया जिसमें कुछ सिख अलग पंजाब की मांग करते दिख रहे हैं। उनमें से एक सिख ने कहा, सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं जहां तुम लोगों ने बैरिगेट लगा रखे हैं, एक काम करो, हरियाणा के बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद कर दो, हम पाकिस्तान के साथ सीमा खोलेंगे, तुम लोगों ने हमें भारत से अलग किया तो अब अलग ही हो जाते हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी इस किसान आंदोलन के बहाने भारत विरोधी जहर उगलने लगा है। उसने तो किसानों को भड़काते हुए कहा कि जमीनें आपकी, फसलें आपकी और दिल्ली से हुकूमत की चल रही है। इतना ही नहीं, पन्नू ने तो 13 फरवरी को दिल्ली से मांगने की नहीं दिल्ली को फतह करने की बात पर भी जोर दिया और दीप सिद्धू का नाम लेकर उकसाते हुए कहा कि दीप सिद्धू पंजाब को आजाद करने की बात करता था। इन तमाम कड़ी को जोड़ते हुए आप समझ सकते हैं कि किसानों का असली मकसद सरकार से MSP मांगना है या मोदी को सत्ता से हटाना। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।